हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, हर दिन हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई नए केस देखने को मिलते हैं, तो आइए इसके बारे में काफ़ी विस्तार से आज जान लेते हैं। सबसे पहले, ये एक इंटरनेशनल डे है, 25 नवंबर को एक मार्क किया जाता है जिसमें कि एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन की बात की जाती है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे हटाने की बात की जाती है। तो इस साल का एक थीम रखा गया है जिसे कहते हैं, कहा है, जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप, क्योंकि जो रेप है वो उम्र देख कर नहीं होती हैं। तो ये जो वायलेंस है जो देखने को मिलता है महिलाओं के खिलाफ, वो एक तरीके से हमें ह्यूमन राइट्स का भी जो हनन है वो देखने को मिलता है। जो बेसिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं इक्वालिटी अचीव करने के लिए, या महिलाओं की डेवलपमेंट पीस सोसाइटी में, ये सारी चीज़ों से उन्हें वंचित करता है। तो आइए देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट माने तो हर 3 में से एक महिला या लड़की किसी न किसी प्रकार का फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अपनी पूरी लाइफ टाइम में देखती ही है। सबसे ज़्यादा ये केसेस इंटीमेट पार्टनर के द्वारा किए जाते हैं। और ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की माने तो विमेन के खिलाफ जितने भी ये केसेस होते हैं वायलेंस के, उसमें सबसे ज़्यादा या तो रिलेटिव्स होते हैं या हस्बैंड होते हैं जो ये सबसे ज़्यादा क्रुएल्टी उनके अगेंस्ट करते हैं। और ये डेटा कब का है? 2017 का। सेफ्टी और सिक्योरिटी विमेन की, ये वैसे तो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होती है। इसके लिए सेवरल स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो निर्भया का फंड हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, तो ये बेसिकली मैंने जैसा बताया कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, इसीलिए ये मार्क किया जाता है। और एक तरीके से कैसे ये बचाया जा सकता है जो वायलेंस हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, तो एक तरीके से ये प्रिवेंट करना होता है कि किस तरीके से हम बचाया जा सकता है और इस तरीके के एक्ट ना हो। इसके लिए 2019 की थीम हमने देखी, ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप, ये 2019 की थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये दिसंबर 1999 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ने ही दी थी 1993 में, कि किसी भी प्रकार का जेंडर बेस्ड वायलेंस, फिर वो चाहे फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाता है विमेन को, जैसे कि कोई थ्रेट है, डराना, धमकाना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, या फिर किसी भी प्रकार की उनकी आज़ादी छीन लेना, तो चाहे वो पब्लिक स्फीयर में हो या प्राइवेट स्फीयर में, ये एक तरीके का सेक्सुअल वायलेंस होगा अगेंस्ट विमेन। कुछ अलार्मिंग फिगर्स देख लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इशू कितने सीरियस हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि हर 3 में से एक महिला जो है किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस का शिकार हुई है। 52% ही मात्र ऐसी शादीशुदा औरतें हैं जो कि अपने डिसीजन खुद ले पाती हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन को लेकर हो, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ हो या फिर हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हो। वर्ल्ड वाइड 750 मिलियन महिलाएं या लड़कियां ऐसी हैं जो कि 18 साल से कम में ही उनकी शादी हो गई रहती है। 200 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जिनके फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और कुछ फिगर्स की माने तो हर 2 में से एक महिला अपने पार्टनर के द्वारा ही मार दी जाती है या फैमिलीज के द्वारा, और ऐसे केसेस 20 में से एक होते हैं मेन के केस में। और 71% ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लोग हैं वो महिलाएं या लड़कियां होती हैं जिन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए ले जाया जाता है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन की सीरियसनेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा कारण है डेथ का, इनकैपेसिटी ऑफ विमेन का, जिसमें रिप्रोडक्टिव एज में उनको कैंसर देखने को मिलता है और बाकी जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। और इस सिचुएशन के बारे में अगर हम जाने डिटेल में, तो ये देखने को मिलता है कि ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकारों का हनन भी काफ़ी हद तक इसमें देखा जाता है, जिसमें कि जो ये चीज़ें होती हैं
तो वो रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, क्योंकि एक तरीके से जो साइलेंट कर दिया जाता है उनको, स्टिग्मा अटैच होता है सोसाइटी में, एक तरीके से धब्बा लग जाता है जो विक्टिम है उसके ऊपर ही, उसे ही कह दिया जाता है कि गलती तुम्हारी होगी। ये शेम जो है उसकी वजह से ये सारे इशू जो हैं और बढ़ते नज़र आते हैं हमें, चाहे फिर वो मैरिटल रेप की बात करें, या फिर फोर्स्ड सेक्शुअल एक्ट, या फिर स्लेवरी और ह्यूमन जेनिटल म्यूटिलेशन या चाइल्ड मैरिज की हम बात कर लें, और सिचुएशन कुछ देखें तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो इमोशनल और मेंटल वायलेंस है जो औरतों को फेस करना पड़ता है, वो तो नोटिस भी नहीं होते हैं। बिगेस्ट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इन लॉज या हस्बैंड को जाता है, और ये जो वायलेंस है वो वर्क प्लेस और होम दोनों जगह देखने को मिलता है, और जब होम की बात आती है तो ये चीज़ें तो अकाउंट ही नहीं होती हैं, ये रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं होती हैं। भले ही महिलाएं स्पेस में क्यों ना पहुंच गई हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आज भी वहीं की वहीं हैं। तो ये जो चीज़ें गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, वो इनके जन्म के पहले ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। फीमेल फेटिसाइड हमें देखने को मिलता है, भ्रूण हत्या, तो इसकी वजह से सेक्स रेशियो भी इंडिया का काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, और वायलेंस इसीलिए देखने को मिलता है। लीगल प्रोविजंस की कुछ बात करें तो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये पहला ऐसा एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है, बच्चों को प्रिवेंट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। इंडियन पिनल कोड में भी कई स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। निर्भया केस के बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी सेटअप की गई थी, जिसमें कि ये सारे एक्ट जो थे उनको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। पॉश एक्ट की माने तो अगर वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हरासमेंट है उसके लिए सेफ्टी के लिए वुमेन के बनाया गया है। कुछ सजेशंस अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर सकें, और ये बचपन से ही बच्चों का जब माइंडसेट हम बनाएंगे तो वो बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ बचपन से जब सिखाई जाए, और स्टिग्मा जो अटैच होता है विक्टिम्स के ऊपर तो वो हटाने की ज़रूरत है। गलतियाँ लड़कियों की नहीं होती हैं, उनके कपड़ों की नहीं होती हैं, ये चीज़ें सोसाइटी में एक सोच जो है वो बदलने की ज़रूरत है। लीगल लिटरेसी कैंप लगाना चाहिए, जितने भी लॉज वगैरह हैं उनके बारे में हमें जानकारी होगी तब हम ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। लोकल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर ये चीज़ें जब अच्छे से पता होंगी तो एक दूसरे को लोग मदद करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी उनके प्रॉब्लम्स होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस को एक तरीके से हेल्थ इशू के साथ जोड़कर देखेंगे तो और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत होगी। प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है दोनों साइड को, विक्टिम को भी और दूसरा जिसने ये काम किया है उसे भी। स्पेशल कोर्ट होने चाहिए जहाँ पर विमेन जजेस और मजिस्ट्रेट हों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सॉल्व हो सकें और ज़्यादा अच्छे से महिलाएं समझ सकती हैं ये चीज़ें। तो गवर्नमेंट जो है इन्हें प्रॉपरली जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं उन्हें इन्फोर्स करना चाहिए। लॉज अच्छे बनाने से कुछ नहीं होता जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से ना हो। पुलिस को एक तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और कर्टियस तरीके से, शालीनता से विमेन के साथ पेश आए। मीडिया को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जितने भी पब्लिक और ऑफिशियल्स हैं वायलेंस के से रिगार्डिंग, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की ज़रूरत है जितनी भी महिलाएं हैं ये विक्टिम्स जो होती हैं उनकी तरफ, ताकि लोगों का माइंडसेट इनके प्रति जो है वो बदले। रिसर्च एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है इस फील्ड में। वे फॉरवर्ड में थोड़ी बहुत बातें और देख लेते हैं कि सबसे पहले पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जो डिस्क्रिमिनेशन है लड़का और लड़की का, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हमारी जो सोसाइटी है आगे भी अच्छे से डेवलप हो पाएगी, उनकी मेंटालिटी बदलेगी। विमेन को जब घर पर रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो बाहर भी अपनी रिस्पेक्ट अच्छे से वो गेन कर पाएगी। जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ज़ीरो FIR जो होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो अभी रीसेंट केस था उसमें भी ज़ीरो FIR का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला हमें। तो स्टेट जो है वो पॉक्सो एक्ट या ये जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उनके रूल्स जो नहीं फॉलो कर रही है अथॉरिटीज़, उनको पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। उन पर पेनल्टीज़ होंगी तो ये एक्शन जो है वो जल्दी लिए जा सकेंगे।
फैमिलीज़ जो हैं उनको, दोनों लड़के और लड़कियों को हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल एजुकेशन मिलेगी, तो सारे, तो दोनों लड़कियां और लड़के दोनों अपनी चॉइसेस खुद ही डिसाइड कर पाएंगे और उनको अपने अधिकारों का अच्छे से जानकारी होगी, अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनको कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि हम आसपास की ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो इस लेक्चर में इतना ही, और भी ऐसे ही लेक्चर्स आएंगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर इस लेक्चर का PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much and stay tuned.